एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर डाइट प्लान। नवंबर का महीना आ गया है और हमारा वेट लॉस चैलेंज भी आ चुका है। आज के डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका नवंबर के मंथ में 12 to 15 kg आराम से लूज हो सकता है। आपको पता है कि जैसे मैं ये हर महीने ये अक्टूबर, नवंबर और सितंबर, अगस्त ये चैलेंजेस लेके आती हूँ, इसलिए लाती हूँ क्योंकि हम जम के मेहनत करें और अपना वेट फटाफट से लूज़ करें। अक्सर लोग नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि ये क्विक वेट लॉस तो होता ही नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ये होता है, वो होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखें हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, हर किसी के बॉडी को फैट लॉस करने का प्रोसीजर डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे का अगर सेम डाइट करके एक महीने में 15 kg लूज़ हुआ है तो दूसरे बंदे का भी 15 ही हो। मे बी उसका 10 kg हो, मे बी उसका 13 kg हो। हर एक बंदे की अपनी बॉडी फिजिक होती है और अपनी बॉडी के हिसाब से उसका वेट लॉस होता है। तो आज की वीडियो में हम ये चैलेंज लेंगे कि नवंबर में हम खूब मेहनत करेंगे, जम के मेहनत करेंगे और अपने वेट को 15 kg तो लाजमी लूज़ करेंगे। और इस मंथली डाइट प्लान की खासियत क्या होती है कि इसमें आपको रोटी चावल छोड़ने नहीं पड़ते। रोटी चावल छोड़े बगैर ही आप वेट लॉस कर लेते हैं और ये सबसे अच्छी बात है इस डाइट प्लान की। ये डाइट प्लान तमाम लोगों के लिए हैं, जो भी लड़कियाँ 16+ हैं। चाहे वो 16+ हैं तो ऑब्वियसली स्कूल उनका ख़त्म हो चुका है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्किंग वुमेंस, हाउस वाइफ, कोई भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है, हर बंदा ये चैलेंज कर सकता है। लेकिन स्कूल गोइंग गर्ल्स थोड़ा अवॉइड किया करें, क्योंकि बेटा आप लोगों को अभी खूब खाने पीने की ज़रूरत है। गंदा खाना नहीं, यानी कि जंक फूड खाने की ज़रूरत नहीं है, हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला टीनेजर्स का भी मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई है। अगली वीडियो इंशाल्लाह मेरी टीनेजर्स के ऊपर ही होगी, टीनेजर्स डाइट प्लान के बारे में। लेकिन चले अब अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। इस डाइट प्लान को फॉलो अगर आप करते हैं तो वेट के साथ साथ आप अपने इंचेस भी लूज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि क्या इससे हमारे इंचेस रिड्यूस होंगे। तो बिल्कुल आपके वेट के साथ साथ आपके इंचेस भी रिड्यूस होंगे। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी कि क्या खाना है, किस तरह खाना है, कब खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, नहीं करनी, क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो डाइट प्लान को स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये सबसे पहली चीज़ जो आपके डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए वो है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट। हर बंदे की हाइट डिफरेंट होती है और हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए। अब मेरी हाइट है 5'6" और मेरा वेट है, इस वक्त करंट वेट है मेरा 54 kg। तो मैंने अपना वेट 51.5 kg तक रिड्यूस कर लिया था, लेकिन मुझे अपने ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा फेस बहुत ही श्रिंक लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा गेन कर लिया। जैसे मैंने आप लोगों के साथ साथ अक्टूबर का डाइट प्लान भी फॉलो किया था अपना, तो मैंने एक हफ्ते के अंदर ही अपना 3 kg आराम से कम कर लिया था, बहुत ही इजीली। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये डाइट प्लान तो मेरा लाइफस्टाइल है, जैसे मैं आपको डाइट प्लान बताती हूँ मैं तो हर रोज़ ही इसी तरीके से अपनी डाइट को, अपनी चीज़ को फॉलो करती हूँ। ये मैंने अपना लाइफस्टाइल बना लिया, क्योंकि ये जंक फूड खाना वैसे भी हमारे लिए नुकसानदेह है, कोई अच्छा नहीं है, साथ ही साथ ये वेट गेन का भी प्रॉब्लम करता है हमारे लिए, तो इसीलिए बेटर टू अवॉइड इट। तो मैं ये कह रही थी कि आपको अपना हाइट के हिसाब से अपना वेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट लगा दूंगी, उसमें आपको लिखा होगा कि 4-5, अगर आपकी हाइट 4 है तो उसके अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए, अगर आपकी हाइट 5 है तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, ताकि आपको जब पता होगा कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट हेल्दी वेट है तो आपको ज़्यादा आसानी होगी उसको लूज़ करने में। क्योंकि हर एक का माइंडसेट होता है, अब मेरा जब 75 kg तक था तब मैंने कहा था कि यार मैं अपना 50 kg करूँगी, लेकिन जब मैंने अपना 50 kg तक किया इतनी मेहनत से तो 50 kg मुझे बहुत ही कम लग रहा था, मेरा मुंह बीमार जैसा आके खड्डे में चले गई, अजीब सा हो गया था। इसलिए मैंने फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाया और 55 kg, 5'6" मेरी हाइट है और उसके हिसाब से 55 kg मेरा बेस्ट वेट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको प्रेस कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए और आप इसको बिल्कुल मिस ना कर सकें। वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हो सके। उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूँ कि अक्सर लोग PCOS और थायरॉयड वगैरह वाले पेशेंट मुझे कहते हैं कि हम फॉलो कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप बच्चे मदर फीड पर हैं और आप फीड करवाते हैं अपने बच्चों को तो आप बिल्कुल ये डाइट प्लान फॉलो कर सकती हैं। बहुत सारे कमेंट्स मुझे इस चीज़ के भी आते हैं, तो मैंने कहा क्लियर कर दूं कि आप बिल्कुल ये सेम डाइट प्लान फॉलो कर सकती हैं, बस आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि आपने डेली अपनी डाइट में इस डाइट के साथ 2 glass दूध के लाजमी यूज़ करने हैं। आपने लो फैट मिल्क लेना है बगैर मलाई के, आपने 2 glass मिल्क अपनी डाइट में लाजमी ऐड करने हैं। तो
आपने अगर अपना वेट लूज़ करना है तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पक्का पक्का हमने वेट लॉस करना है। अक्सर लड़कियों के कमेंट्स मुझे आ रहे होते हैं कि दी मुझसे तो मैंने तो 3-4 दिन की फिर मेरी चीट मील हो गई, मुझे नहीं। यार इस तरह नहीं होता ना, थोड़ा अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें तो हम खा ही लेंगे, लेकिन जब हमारा वेट लॉस होगा, हमारी बॉडी शेप में आएगी, तो हम खूबसूरत भी लगेंगे और हम अंदर से हेल्दी भी होंगे। क्या आपको पता है मोटापा बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आता है? अभी तो हम यंग हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारी बीमारियाँ उन बंदों को ज़्यादा जल्दी पकड़ती हैं जो लोग मोटे होते हैं, जो लोग थोड़े ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अगर हम पहले ही अपने वेट को कंट्रोल करेंगे और अगर हम अच्छी डाइट और हेल्दी डाइट लेते रहेंगे तो आगे जाके भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा होता है और ये बहुत सारी बीमारियों से और डॉक्टर को फजूल पैसे देने से हम बच जाते हैं। वही चीज़ हम अगर जवानी में अपने ऊपर लगा लें, नट्स खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, दूध पिएँ, अच्छी अच्छी हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाएँ, तो वो हमारे ऊपर लगती हैं और हमें उसका फ़ायदा बुढ़ापे तक होता रहता है। इसीलिए इन्वेस्ट करें खुद में बजाय दवाइयों के। तो चलिए सारी बातें हो गई हैं, अब चलते हैं अपने वेट लॉस डाइट प्लान की तरफ। ये बहुत ही इजी पीसीस है, आपको जैसे पता है कि मेरे डाइट प्लान्स बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम करने वाले नहीं होते कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो चले हम अपनी मॉर्निंग ड्रिंक की तरफ चलते हैं। मॉर्निंग ड्रिंक हमने लेनी है सुबह के 10 बजे और मॉर्निंग ड्रिंक में हम लेंगे ज़ीरा वाटर। ज़ीरा वाटर या अजवाइन वाटर, ये दोनों ही वाटर बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि नवंबर है, सर्दियाँ आ गई हैं, तो अगर हम अजवाइन वाटर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को भी वार्म अप करता है। इसके साथ अगर हम ज़ीरा वाटर लेते हैं तो ये भी हमारा वेट लॉस में हेल्प करता है। अजवाइन और ज़ीरा दोनों ही वेट लॉस फ्रेंडली हैं और हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छी तरीके से गर्माइश भी प्रोड्यूस करते हैं, हमारी ब्लॉटिंग गैस वगैरह को भी ख़त्म करते हैं। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो वो भी अजवाइन से सेट हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि 1 कप पानी लेना है, 1.5 कप पानी लेना है, उसके अंदर हमने 1/4 टीस्पून डालना है ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हमने ऐड करना है अजवाइन। ये दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से बॉयल करेंगे, बॉयल 2 मिनट तक होने के बाद कप में डाल देंगे और 1 कप नीम गर्म हम इसको सुबह 10 बजे पी लेंगे। ये हमारी होगी मॉर्निंग ड्रिंक। तो ये आप किसी दिन सिर्फ ज़ीरा वाटर भी कर सकते हैं, किसी दिन सिर्फ अजवाइन वाटर भी कर सकते हैं, किसी दिन दोनों को कंबाइन करके भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं करना तो तीसरे दिन आप सिर्फ और सिर्फ लेमन वाटर भी ले सकते हैं। 1 लीमू, छोटा लीमू है तो 1 लीमू को अपने पानी में, नीम गर्म पानी में निचोड़ लें और पी जाएं। ये हमारी हो गई मॉर्निंग ड्रिंक। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की, और ब्रेकफास्ट हमने करना है 10:30 से 11:30 बजे के दरमियान, या 11 से 10:30 से 11 बजे के दरमियान हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, आधे घंटे बाद ड्रिंक के। और ब्रेकफास्ट ऑप्शन नंबर 1 मैं आपको दूंगी मसाला ओट्स। मसाला ओट्स बनाना और खाना बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। गर्मियों में ओवरनाइट ओट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सर्दियाँ आ जाती हैं तो ज़रा गर्माइश, गर्म गर्म चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए हम मसाला ओट्स बनाएंगे। इसको प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है। 1 टेबल स्पून ऑयल हम लेंगे एक पैन में, उसके अंदर हम 1 प्याज, छोटा प्याज चॉप करके ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरीके से सौते करेंगे, चाहें तो लहसुन भी 1-2 जवे आप चॉप करके डाल सकते हैं। इसके बाद हम अपनी फेवरेट वेजीज क्यूब्स में कट हुई हुई डालेंगे, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा हरा प्याज, थोड़ी सी गोभी अगर आप डालना चाहें, ये 3-4 चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर, ये 4 मसालों को हमने इसमें ऐड करना है, और इसके बाद इसमें हमने 1 कप पानी डाल देना है। उसके बाद इसको जब जोश आएगा, बॉयल होने लगेगा, तो हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ओट्स के भर के ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरीके से कुक करना है स्लो आंच पे। जब ओट्स अच्छी तरीके से कुक हो जाएं तो हम इसको स्टोव से उतार लेंगे। ये हमारे मज़ेदार से मसाला ओट्स रेडी हैं, आप खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि हर बार खाऊं, इतने मज़े के ही होते हैं। साथ साथ आपके पेट को भी फुल रखते हैं, आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती इसको खाने के बाद। साथ ही हम ले सकते हैं चाय, अगर हमें चाय सुबह पीनी है, हम पूरे दिन में 1 ही कप चाय लेंगे। चाय आप 1/2 टीस्पून शुगर के साथ ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बगैर चीनी की ही पिएं, आप 1/2 टीस्पून शुगर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्टीविया या नेचुरल स्वीटनर वगैरह है तो वो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, आप वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो 1/2 टीस्पून शुगर का ऐड करके आप चाय पी सकते हैं ओट्स के साथ। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। अब मैं आपको दूंगी ऑप्शन नंबर 2। इसके लिए आप स्मूदी बना के पी सकते हैं, हमारी स्ट्रॉबेरी स्मूदी बहुत ही मज़ेदार सी होती है, बेरीज़ में क्योंकि कम कैलोरीज होती हैं तो हम स्ट्रॉबेरी स्मूदी बना के पी सकते हैं, जिसको बनाना बहुत ईजी है। आपने 10 स्ट्रॉबेरीज लेनी है, 1 बनाना लेना है, 1/2 कप आपने योगर्ट का ऐड करना है या फिर 1/2 कप आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आपने 1 खजूर ऐड करनी है और कुछ नट्स ऐड कर ले अगर आपके पास हैं तो, वरना ये टोटली ऑप्शनल है। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से
ब्लेंड करें और आप पिए, इतना ही मज़े की स्मूदी बनती है। स्ट्रॉबेरी स्मूदी तो मेरी मोस्ट फेवरेट है, एक मैंगो स्मूदी और एक स्ट्रॉबेरी स्मूदी, इसको पीकर मज़ा आ जाता है लिटरली। आप भी ब्रेकफास्ट का ये ऑप्शन नंबर 2 ले सकते हैं। इन दोनों के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप ऑमलेट भी बना के खा सकते हैं, एक फुल एग और एक एग वाइट, ये यानी कि डेढ़ अंडा आपने लेना है, 1.5 एग, एक फुल एक एग वाइट, इसको आपने फेंटना है। इसमें नमक, काली मिर्ची ऐड करें, अपनी फेवरेट वेजीज ऐड करें और इसका 1 टीस्पून ऑयल में आप ऑमलेट बना के खाएं। साथ आप एक ब्रेड का पीस ले सकते हैं जो कि आपका एक बहुत ही अच्छा फुलफिलिंग मील हो जाता है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी। आप यकीन करें, जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी इतने 3 महीने तक, 2.5 महीने में मैंने अपना 25 kgs लूज़ किया था, तो उस दौरान मैंने सिर्फ ऑमलेट और एक ब्रेड यही नाश्ता किया था। इसके अलावा कभी मैं 2 ब्रेड लेती थी, कभी मैं 1 ब्रेड लेती थी, इसके अलावा मैंने कोई नाश्ता नहीं किया। बहुत ही कम कभी ऐसा हुआ है कि मैंने ओट्स लिए, वरना मैंने अंडा ब्रेड यही खाया। तो आप भी इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं और हर दिन अलग भी ऑप्शन ले सकते हैं। अब बारी आती है हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक की, जो हम लोग तकरीबन 12:30 बजे के टाइम लेंगे। अगर आप कोशिश करें कि मिड मॉर्निंग स्नैक को आप स्किप कर दें, क्योंकि आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, आपकी बॉडी को भी नीड नहीं होती, आपको भी नीड नहीं होती, तो मिड मॉर्निंग स्नैक तो बिल्कुल ऑप्शनल होता है। मैं बिल्कुल नहीं लेती और स्किप करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बताती हूँ कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख का होता है तो वो खा सकते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए 12:30 बजे के टाइम एक खीरा, क्योंकि फुल वाटर बेस्ड होता है खीरा और उसके अंदर ज़्यादातर पानी होता है और कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो आप एक खीरा खा सकते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए। अब हम लोग अपना लंच कर लेंगे 2 से 2:30 बजे के दरमियान। तो हम अपना लंच ऑप्शन नंबर 1 में आपको दूंगी कि आप बेसन चीला ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून बेसन आप लें, उसके अंदर नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करें और उसके अंदर प्याज, टमाटर, धनिया ये ऐड कर लें और उसके बाद उसको मिक्स करके वॉटरी बेस फॉर्म में बना लें और इसको आप नॉन स्टिक पैन में पका के खा सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून बेसन से आपके 3 चीलास रेडी हो जाएंगे, जो कि आप रायते 2 टेबलस्पून रायता के साथ खा सकते हैं और अपना इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ ऑप्शन नंबर 2 में आपको दूंगी चना चाट। चना चाट बनाने के लिए आपने अपने पूरा सलाद बना लेना है फेवरेट वेजीज का। इसके अंदर आपने चने ऐड करने हैं, 3 टेबलस्पून बॉयल हुए हुए चने ऐड करें। इसके अंदर अपना फेवरेट ड्रेसिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि नमक, काली मिर्च, चाट मसाला थोड़ा सा डाल लें। इसके साथ आप 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून दही के ऐड कर सकते हैं वेजीज में। कोशिश हमें ये करनी है चना चाट में वेजीज ज़्यादा हों और चने की क्वांटिटी बहुत ही कम हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लंच का, चना चाट या फिर बेसन चीला, ये हो गए हमारे 2 ऑप्शन। अब बारी आती है हमारे इवनिंग स्नैक की, और शाम को चाय के लिए हमने लेना है 1 कप ग्रीन टी। हम शाम को इवनिंग में ग्रीन टी ले लेंगे, या अगर आप चाहें तो लंच के बाद भी ले सकते हैं। वैसे हम इवनिंग में चाय की तलब होती है और सर्दियां भी हैं, नवंबर का महीना है, तो हम शाम को 1 कप ग्रीन टी ले लेंगे और साथ ही हम ले लेंगे थोड़े से नट्स। एक मुट्ठी में जितने भी नट्स आते हैं बस हमने इतने ही नट्स लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने, बस इतने ही कि जितने एक मुट्ठी में। ये नट्स हम ले सकते हैं ग्रीन टी के साथ, नहीं तो आप ग्रीन टी के साथ 2 टेबलस्पून भुने हुए चने भी ले सकते हैं और आप इसके अलावा 1 कप पॉपकॉर्न का भी ले सकते हैं, 1 प्याली, लेकिन वो एयर पॉप होने चाहिए और ऑयल और नमक के बगैर। माइक्रोवेव में भी अच्छे पॉपकॉर्न रेडी हो जाते हैं, तो वो आप रेसिपी यूट्यूब पे बहुत सारी हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये हम इवनिंग स्नैक अपना लेंगे 5 बजे के टाइम। हमारी बारी आ जाएगी डिनर की। डिनर हमने अपना 7:30 बजे से पहले पहले फिनिश कर लेना है। कोशिश करनी है कि हम 7:30 बजे से पहले अपना डिनर कर लें, क्योंकि हम अगर जल्दी डिनर करते हैं तो हमें नींद भी जल्दी आती है। अगर हम जितना लेट करते हैं अपना डिनर तो हमारी नींद भी और आगे आगे जाती रहती है। तो अगर हम जल्दी सोना चाहते हैं तो हमें डिनर जल्दी करना है। डिनर में मैं आपको ऑप्शन दूंगी कि डिनर में आप टोमेटो सूप ले सकते हैं, 2-3 अपने टोमेटो बीटरूट और कैरेट, इन तीनों चीज़ों को एक एक लें, पानी में डाल के बॉयल करें 1/2 घंटा। उसके बाद इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें या फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लें। ये बहुत ही मज़ेदार सा आपका सूप बन जाता है। इसमें नमक, काली मिर्च ऐड करें, थोड़ा सा सिरका और काला सिरका ऐड कर सकते हैं आप, और ये बहुत ही टेस्टी सूप बन जाता है। आप इसको 500 ml सूप ले सकते हैं डिनर में, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। साथ में अगर आप चाहें, भूख लग रही है, तो आप सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद आप कोई भी अपना फेवरेट सलाद मिक्स करके बना सकते हैं और खा सकते हैं। इसके साथ साथ ऑप्शन नंबर 2 में मैं आपको दूंगी शामी कबाब। आप 3 चिकन शामी कबाब साथ में 2 टेबलस्पून योगर्ट, रायता और 1 प्याली भर के सलाद की खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा फुलफिलिंग और रिच है। अगर आप चाहें तो इसके साथ आप आधी रोटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं रोटी का आपको रात को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए सर्दियाँ हैं तो रात को हमें भूख ज़्यादा लगती है और रात को जब हम जागते हैं ना तो हमें ज़्यादा भूख लग रही होती है, इसीलिए हम आधी रोटी रात को खा लेंगे। अगर हमने दिन में रोटी खाई है, किसी वजह से दिन में रोटी और सालन हमने खाया है, तो हमने
रात को रोटी बिल्कुल नहीं खानी, हमने पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार रोटी खानी है या चावल खाने हैं। रोटी चावल एक ही बार हम दिन में खाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम खाते हैं हमारा वेट लॉस होने में प्रॉब्लम होती है और हमारा वेट लॉस बहुत ही स्लो होता है। इसलिए हमने रोटी चावल दिन में एक ही बार खाना है, चाहे दिन हो या रात। तो हम रात को 3 शामी कबाब के साथ आधी रोटी ले सकते हैं, साथ 2 टेबल स्पून योगर्ट और सलाद का प्याला ले सकते हैं। ये हो गया हमारे डिनर के 2 ऑप्शन। इसके साथ अगर आप, तीसरा ऑप्शन मैं आपको दूंगी कि अगर आपके घर में कोई भी सब्ज़ी दाल कुछ बनी है तो आप वो भी ले सकते हैं आधी रोटी के साथ। और ये जो लंच और डिनर के ऑप्शंस हैं ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जो मैंने लंच ऑप्शंस बताए ये आप डिनर में भी ले सकते हैं, और जो मैंने डिनर ऑप्शंस बताए वो आप लंच में भी ले सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप डिनर को लंच में लेना चाहें या लंच को डिनर में लेना चाहें। उसके साथ साथ आपने रात को सोने, रात के खाने के बाद 1 कप ग्रीन टी लाजमी लेनी है, और उसके अंदर 1/2 लेमन को स्क्वीज़ करके भी ऐड करना है, ताकि लेमन जो है वो नेचुरल फैट कटर ड्रिंक है, आपकी बॉडी को बहुत ही जल्दी फैट लॉस करने में हेल्प करता है और आपके खाने को भी हजम करने में हेल्प करता है। ग्रीन टी के अंदर 1/2 लेमन डाल के जब पियेंगे तो ग्रीन टी का टेस्ट भी इनहेंस होगा और आपका फैट कटिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताती चलूँ कि आपने डेली 8 घंटे की नींद लाजमी लेनी है, 10 ग्लास पानी लाजमी पीना है। पानी पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियाँ आ जाती हैं तो हम पानी पीना छोड़ देते हैं, इसीलिए हमने पानी लाजमी पीना है 10 ग्लास। और साथ में हमने कच्ची सब्जियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। हम सीजनल फ्रूट्स भी खा सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में। अगर हम अनार खा रहे हैं तो आधा अनार खाएंगे, ऑरेंज 1 फुल खा सकते हैं, उसके अलावा अमरूद खा रहे हैं तो आधा अमरूद खाएंगे। तो कुछ चीज़ों को हमने ख्याल रखना है, जो भारी भारी फ्रूट्स होते हैं वो हमने कम कम खाने हैं। उसके साथ साथ हमने नट्स भी 1 मुट्ठी लेनी है। पूरे दिन में हमने इतने ही नट्स लेने कि हमारी 1 मुट्ठी में है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सर्दियाँ हैं, ड्राई फ्रूट्स हम बहुत ज़्यादा मंचिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा एक्सेस वेट गेन हो जाता है। तो हमने ड्राई फ्रूट्स को भी एक लिमिट में रख के खाना है। इसके साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, 15-20 मिनट्स की एक्सरसाइज कर लें। कोई भी यूट्यूब पे वीडियो लगा लें एक्सरसाइज की बिगिनर्स के लिए और वो आप करें, ये आपकी बॉडी को वार्म अप भी करेगी और आपकी फैट लॉस में और इंचेस लूज करने में भी हेल्प करेगी। एक्सरसाइज अगर नहीं आपसे की जाती किसी वजह से तो आपने 30-40 मिनट्स की वॉक लाजमी करनी है। अब वॉक के लिए टाइम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप सुबह नाश्ते से पहले करें, नाश्ते के बाद करें, लंच से पहले, बाद में, शाम को, रात को, खाने के बाद, जिस टाइम भी आपका दिल करे आप 30-40 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी है वॉक हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और वॉक कम से कम 40 मिनट्स की मस्ट करनी है आपने। इसके साथ साथ चिप्स और बिस्किट्स आपने बिल्कुल नहीं खाने हैं, जंक फूड आपने नहीं खाना, कोई भी आपने चीट मील नहीं लेना है। अगर आप चीट मील लेते हैं तो आपका वेट लेट लूज़ होगा, या फिर पूरे महीने में आपका कम वेट लूज़ होगा, 15 kg तक लूज़ नहीं हो पाएगा, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से लूज़ होगा। चीट मील हमने एक महीना बिल्कुल नहीं लेना है। हमने कोशिश करनी है कि अपने इरादे पर पुख्ता रहें और अपनी वेट लॉस जर्नी को यकीनी बनाएं। तो हमने हिम्मत नहीं हारनी और हमने अपना इरादा पुख्ता करना है कि हम लाजमी अपना वेट लॉस करेंगे और इंशाल्लाह ताला नवंबर के महीने में अपना 15 kg तक लाजमी लूज़ करेंगे। और पिछली वीडियोस से जिन जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है और उन्होंने अपना वेट लॉस किया है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ताकि जो न्यू आने वाले लोग हैं उनको भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि हम सारे कमेंट्स पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स में सबके जवाब देती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।